एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में भाजपा से खफा है। दरअसल रांची लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ के पर्चा दाखिल में लोजपा को आमंत्रित नहीं किया गया। लोजपा रांची जिला इकाई अध्यक्ष दिनेश सोनी की माने तो पर्चा दाखिल में जाने के लिए लोजपा की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने के कारण सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई, जिसके बाद लोजपा रांची जिला इकाई के दिनेश सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोजपा के कर्ता धर्ता रामविलास पासवान और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान से इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही। जनशक्ति पार्टी एक बहुत बड़ा पार्टी है और भाजपा को जो झारखंड का सरकार है हमारे माननीय रघुवर दास जी, उनको सोचना चाहिए कि एनडीए एक ऐसा पार्टी है कि जिसका सर पे हाथ रखती है उसकी ऐतिहासिक जीत होती है। जैसे कि बिहार में भी अलायंस है, बिहार का अलायंस के माध्यम से हम लोग झारखंड में भी सोचे थे कि हम लोग का झारखंड प्रदेश में भी भाजपा का साथ अलायंस हो। हम लोग का भी तमन्ना है हमारा देश का सच्चा सिपाही जो अपने आप को कहते हैं चौकीदार, अगर वो चौकीदार कहते हैं तो हमको गर्व होता है कि हमने जिसको चुन के बैठाया वो एक चौकीदार कहते हैं तो वो देश का सही माने में चौकीदार है। और झारखंड का भाजपा का ये परिस्थिति है कि पूर्व में अभी हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक भी हुआ था भाजपा का कार्यालय में, उन्होंने कहा था कि 11 तारीख को कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के पूरे जिला का पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे और हम लोग तालमेल के साथ ही झारखंड प्रदेश में भी काम करेंगे। लेकिन 11 तारीख को मीटिंग में 11 तारीख को हमने फोन किया था जिनको प्रभारी कोऑर्डिनेट कमेटी का बनाए थे, उनको उनसे हमने बात किया कि मैं दिनेश सोनी रांची जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, आज का मीटिंग था उसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक घंटा बाद बात करते हैं, मगर उन्होंने फिर बात करने का भी कोशिश नहीं किया गया। आज 16 तारीख था, 16 तारीख को हम लोग का खादी बोर्ड चेयरमैन का अध्यक्ष संजय सेठ था, उनका भी आज नॉमिनेशन लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नाम दाखिल किया गया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का ना ही तो प्रदेश के पदाधिकारियों को कोई खबर हुआ, ना ही रांची जिला का पदाधिकारी को खबर किया गया। लेकिन रांची जिला के तरफ से पूरे तैयारी थी कि किसी भी वक्त भाजपा का खबर आ जाए कि कल हमारे नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन में आप लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहिएगा। हम लोग 1400 से 1500 करीब पदाधिकारी सब हम लोग अपने एरिया में तैयार थे, उनका फोन का इंतजाम था। आज 10 बजे तक फोन नहीं आया तो हम लोग सारे पदाधिकारियों को कह दिए कि आप लोग को आने की दरकार नहीं है, जब उनको परवाह नहीं है तो हम क्यों मेहनत करने जाएं। उनको खुद समझना चाहिए कि मान लीजिए कि दिनेश सोनी को विधानसभा में खड़ा होना है, तो विधानसभा में खड़ा होना तो हमको जीतने के लिए हर आदमी के पास जाना, अगर मेरा दुश्मन भी है तो उनसे भी हाथ जोड़ के हमको मांगना है। लेकिन यहाँ पूछने का भी काम नहीं किया गया, इसलिए आज एक पत्र हमने प्रेस में जारी किया है रांची जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के हैसियत से, और हमने माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से उनसे मांग किए हैं कि भाजपा को लोजपा से अलग किया जाए तभी हम लोग चल पाएंगे, नहीं तो भाजपा के तरफ से लोजपा